बोलू अगर मैं झूठ तो मर जाएगा जमीर, बोलू अगर मैं झूठ तो मर जाएगा जमीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। आज पूरे दिन किसी भी गोदी चैनल को खोलकर देख लीजिए, हर कोई चीता पर ही खबरें दिखा रहा है। कोई कह रहा है कि शेर लाया चीता, तो कोई कह रहा है शेर के घर में चीता। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है और दूसरी तरफ चीते की। मतलब साफ है कि सरकार की गुलाम बन चुकी मीडिया प्रधानमंत्री को शेर बता रही है और पूरे दिन इसी खबर पर स्टूडियो में नंगा नाच रही है। किसी भी पत्रकार को वो असली मुद्दा नहीं दिख रहा है जो जनता का है। जो सवाल जनता आज प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रही है उस पर किसी भी पत्रकार का कोई ध्यान नहीं है और ये पत्रकार उस पर ध्यान देना भी नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से भक्ति में लीन है और इधर उधर होकर अपनी भक्ति में खलल डालना नहीं चाहते हैं। जबकि देश भर में आज युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। ट्विटर पर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट लोगों ने बेरोजगारी दिवस पर किया है, लेकिन किसी की नजर उस खबर पर नहीं जा रही है, बल्कि सारे टीवी वाले पत्रकार शेर और चीते की लड़ाई में भेड़िए बने हुए हैं। आप आज तक की इस खबर को देखिए जिसमें सुधीर चौधरी की फोटो के साथ प्रधानमंत्री मोदी और चीते की फोटो लगाई गई है और उस पर लिखा है शेर लाया चीता। जबकि रजत शर्मा वाले इंडिया टीवी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीता की फोटो दिखाया है और उसमें लिखा है कि शेर ने किया चीतों का दीदार। जबकि इंडिया टीवी की ही दूसरी खबर है शेर के घर में चीता। मतलब गोदी मीडिया की इन खबरों को देखकर एक बात तो साफ हो गई होगी कि लोगों ने कैसी टॉनिक पी रखी है कि इन्हें चीते के अलावा देश में कुछ और मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब इतना ज्यादा हो हल्ला, इन्हें 10 लाख लोगों की आवाज दिखाई नहीं दे रही है जो वो ट्विटर के माध्यम से मीडिया और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यह गोदी मीडिया यह दिखाना चाहती है कि 72-75 सालों बाद अब चीता मिला है तो देश की सारी समस्या खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई कम हो गई, क्योंकि चीता आ गया। चीता आ जाने से आप खुशहाल हो जाएंगे, आप सबको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि शेर अपने घर में चीता लाया है। तो ये हाल है इस देश की मीडिया का, जो चरण वंदन करने में और तलवे चाटने में सारा दिन निकाल देती है। ठीक है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस दिन पर आप बिल्कुल उन्हें बधाई दीजिए, लेकिन अगर आपकी इतनी हैसियत है तो ये सवाल भी पूछिए कि जो शेर चीता ले आया है वो शेर बेरोजगारी पर बात करने से क्यों घबराता है, क्यों वो शेर महंगाई पर अपनी जुबान नहीं खोल पाता है, क्यों वो शेर आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। ये ऐसे सवाल है जो भेड़िए बन चुके पत्रकार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, बल्कि वो इसी तरह की खबरों में व्यस्त रहेंगे कि कैसे भी उस शेर को खुश रखा जाए ताकि इनके हड्डियों का इंतजाम हो सके। आज तक की नौकरी को लात मार चुके पत्रकार श्याम मीरा सिंह ट्वीट करते हुए कहते हैं कि अब टीवी चैनल मोहल्ले के गुंडे भी हो गए हैं। भाषा देखिए, आपको किस एंगल से ये लोग मीडिया लग रहे हैं, क्या ये काम होता है पत्रकारों का। दरअसल इंडिया टीवी ने अपनी खबर में लिखा है कि मोदी के चीतों का कौन ले रहा है क्रेडिट। पत्रकार संजय वर्मा कहते हैं, दिल तोड़ दिया इन टीवी चैनल के एंकरों ने आज। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई एंकर आज चीते की ड्रेस पहनकर बड़ी सी पूंछ लगाकर न्यूज पढ़ेगा जो मोदी जी का चेहरा सामने आते ही जोर जोर से हिलने लगेगी। आप देखते रहना, हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट शो में चौधरी जी पहनकर आए। संजय शर्मा के इसी ट्वीट पर निधि तिवारी कहती हैं कि चीते की ड्रेस तो नहीं पहनी लेकिन चीते के बाड़े में पहुंच गए एंकर। तो पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि माननीय जनता, शनिवार के दिन आपको चीता का विशेषज्ञ बनना है। गोदी मीडिया आपको चीता के सभी गुणों के बारे में बताएगा, आपके जो मुद्दे हैं वो चीता के आगे डाल दें, चीता खा लेगा। अफसोस, हम कुछ लोग ये तमाशा ही देखते रह जाएंगे, हालात नहीं बदल सकते। तो चीते को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया भेड़िया बन गई है उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।